अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डेली फरीद ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग जो है मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ एक मतलब कतर के बाहर। कतर के बाहर अभी लोकेशन आया है, देखा हूँ एक पार्क है, पार्क में चल रहे हैं। यहाँ से तकरीबन 40 मिनट का रास्ता है, 120 की रोड है, दोहा एक्सप्रेस जिसका रोड का नाम है, वहाँ पे चल रहे हैं। लेकिन मैं 2 दिन से बीमार था, जिम नहीं गया। बोल रहे जिम भाई, जिम दिखा नहीं रहे, तो इसीलिए गया नहीं। तो अभी मैं वहाँ पे जा रहे हैं अपन। वहाँ पे जाके आने के बाद फिर देखेंगे, पता नहीं कितने बजे आती है। अगर अभी तो कितना हो रहा है पता है, शाम के 3 मतलब हाँ दोपहर के 3 बज रहा है टाइम, दोपहर के 3 बज रहा है। तो अभी वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे जाके अगर जल्दी आएगी तो मैं उसको परमिशन लेके रात में ही चले जाऊँगा जिम, क्योंकि 12 बजे तक ओपन रहता है जिम। तो इसीलिए तो रात में ही चले जाऊँगा, उसके बाद में जिम अगर परमिशन मिला तो जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा, जो भी है दिखाऊँगा। तो चलते हैं भरने। भैया इसके अंदर जो है ना पार्क बहुत तगड़ा है, बहुत खतरनाक है। और एक बात बताना भूल गया मैं, इसके अंदर जाने के लिए बोल रहे टिकट है, फीस है। यार यहीं पे फेल हो गया ना, चलो देखेंगे जाके। ये देखो भैया, इसके अंदर जाने के लिए 30 35 रियाल टिकट है। अबे तो टिकट मांग रहे इसके अंदर 35 रियाल, हम लोग को नहीं जाना है भाई अंदर। तो भैया गुड मॉर्निंग। हुआ कुछ ऐसा है कि कल रात में मुझे परमिशन भी मिल गया था, जिम को भी चला गया था, जिम का वीडियो भी थोड़ा डाल दिया हूँ मैं, लेकिन बना नहीं पाया। मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी बेटर थी, उसी में जाके मैं कल बहुत और किया तो मोबाइल पकड़ने का मुझे मतलब चांस ही नहीं था, क्योंकि मुझे एक्सरसाइज करना था। अभी तो पूरा शोल्डर था, सब दर्द हो रहा, सब मिक्स मार के आया हूँ अभी। आज कल जो किया, आज दूसरा दिन है मेरा, ठीक है। तो अभी मैं आया हूँ फिर से, जो आपने लास्ट वीडियो देखे थे, मेरे लास्ट वीडियो डाला हूँ ना, उधर ही आया हूँ। वो उधर है सामने, ये इस जगह सामने आया हूँ, दोहा बैंक, मतलब कतर, कतर को दोहा बोलते हैं, कतर भी बोलते हैं, दोहा बैंक। एक मिनट दिखाता हूँ। परसों जो आया था ना, मैं जो लास्ट वीडियो देखी अपने, इधर जो 14 रियाल की कॉफी पी है ना, हमें EM वाले, उधर से ही अपन आ गए इधर दोहा बैंक। देखो ऐसे तो उसकी अम्मा के घर पे आया था मैं इधर, उसके अम्मा के घर पे आया था, तो यहाँ पे उसको लेके आया हूँ। पता नहीं अब यहाँ से कहाँ जाती है, देखेंगे। शाम के ना 6:30 बज रहा है टाइम। एक बात करना था, मैं बस जानना था, बस ऐसे ATM में जब पैसा निकालते हैं ना, अबे यार क्या हुआ, ATM से जब पैसा निकालते हैं ना, तो ATM से पैसा निकालने के बाद गिनते हैं सही है कि नहीं बोल के, अगर गलत है भी तो क्या उखाड़ लेते हैं ATM का, पता नहीं गिनते क्यों। उधर बहुत लोगों को देखता हूँ मैं, गिनते वो लोग फेर के कितने निकले बोल के, ज्यादा निकले, ज्यादा तो निकलेंगे नहीं वो, क्योंकि इतने चूतिया तो है नहीं ATM वाले, ज्यादा लगाने वाले। कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या भाई? कल की तरह आज भी मुझे टाइम मिल जाए जिम करने के लिए, आज भी कुछ हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी है ना, अभी तो 6:40 हो रहा है टाइम, मिल जाए तो मजा आ जाएगा, क्योंकि मेरा सर जो है ना बहुत दुख रहा है भाई, सुबह उठने नहीं हो रहा मेरे को, तबीयत भी ना अभी तो मतलब 9% 10% में, 9% में अभी बेटर हूँ। अभी मैं हूँ इलाका रैयान में हूँ मैं, रैयान,
मिनट यार दिखाता हूँ। रैयान भैया, रैयान मोहल्ला है ये, रैयान मोहल्ला। गुड़िया लाउंड्री वाली, मुझे जाना है लाउंड्री में। लाउंड्री लाउंड्री है किधर पे, मैं भी भूल गया क्या रास्ता? रास्ता भूल गया नहीं तो नहीं। मैं जिम में ना वीडियो बनाना अलाउड नहीं बोल रहे, तो इसीलिए मैं नहीं बना पा रहा अभी। खैर क्या करें, छोटा छोटा बना बना के डालेंगे इंस्टाग्राम में। तो भैया आज का तीसरा दिन था जिम का, आज शोल्डर मार के आया, लेकिन मज़ा आया भाई। रात में जाके करगाने का कल भी गया था और आज भी गया था। अभी पानी थोड़ा बचा है तो इसको फेंक के, अभी रात के 12 बज रहा है टाइम, तो अभी मैं इस ब्लॉग को ना कल कंटिन्यू करूँगा। अभी खाना वाना खा के सोना है मेरे को, सो के इस ब्लॉग को फिर कंटिन्यू करूँगा कल। तो मिलेंगे कल, अभी बहुत दूर चलना है मेरे को क्योंकि गाड़ी नहीं लाया मैं। वैसे तो चलते जा रहा हूँ क्योंकि वो जिम के लिए परमिशन दी है, बस वही बड़ी बात है। फिर गाड़ी पूछूंगा तो बोलेंगे तू रूम पे बैठ जा आराम से, जिम मत जा। तो अभी चलेंगे घर, घर चल के फिर कल मिलेंगे। तो तब तक गुड नाइट। तो भैया गुड मॉर्निंग हो गया, सुबह के नहीं शाम के 5, कितना अभी टाइम किधर गया, 5:30 हो रहा है शाम के। तो क्यों क्या हुआ पता है, आज मेरा ड्यूटी नहीं थी, ड्यूटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस मैं दुकान जाके आया हूँ, दुकान गया था, लेकिन मेरे हाथ में फिर से लेक्सस जो गाड़ी है वो फिर से मिल गई। इसका वजह क्या है, बस 2 मिनट के लिए, क्योंकि इसको पेट्रोल डलवा के लाना है, बस पेट्रोल डलवा के लाना है। यहाँ पे पेट्रोल पंप जा रहा हूँ, जिसको अरबी में महत्ता बोलते हैं, ठीक है, महत्ते में जा रहा हूँ पेट्रोल डलवाने के लिए। पता नहीं ये कितने रियाल में टैंक फुल होती है वो दिखाता हूँ। और आज जो है बिल्कुल मेरी ड्यूटी नहीं थी, कल रात में मैं पता है 1 बजे सो गया, 1 बजे सो के दोपहर में 11 बजे उठ गया, 11 बजे उठ के और फ्रेश व्रेश हो के फिर खाना खाया 12 बजे, फिर सो गया, मोबाइल देखते देखते सो गया, फिर एकदम उठा 4 बजे, 4 बजे उठा, 4 बजे उठ के फिर दुकान उठा नहीं था, मेरे को फोन आ गया। उठता तो नहीं, मैं बड़ा ढीठ हूँ, लेकिन मेरे को फोन आ गया, मुझे लगा ड्यूटी लग गई। तो टाइम देख रहा था 4 हो रहा था, चलो भाई ड्यूटी लग गई तो ड्यूटी आ गया, लेकिन मैं ड्यूटी नहीं आया था, मैं आया था दुकान पे, दुकान पे वहीं पे आके सामान लेके फिर रूम पे आके गाड़ी लगा दी है, गाड़ी लगा के रूम पे बैठा, वाईफाई कनेक्ट होके फिर कफिल का मैसेज आया। कफिल का मैसेज आने के बाद बोलता है कि मेरी गाड़ी लेके जाएगा पेट्रोल डलवा गया, तो अभी इसकी गाड़ी लेके जाएगा पेट्रोल डलवा के आ रहा हूँ। पता नहीं ड्यूटी बाद में लगती है या फिर आज ही लगती है या कल लगती है, पता नहीं, लेकिन मेरे को जिम तो जाना है आज, जिम दिखाऊंगा आज, आज कोशिश करूंगा, छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। अभी मैं आ गया पेट्रोल पंप को, और जितने भी जिम के मैं वीडियोस है ना वो इंस्टाग्राम में डाल रहा हूँ, जिसने भी अगर इंस्टाग्राम को नहीं फॉलो किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ इंस्टाग्राम को भी फॉलो करो, ठीक है। और लाइव भी आते रहते हैं अपन उधर इंस्टाग्राम में, बात करेंगे, ठीक है। बहुत लोग पूछते रहते हैं भाई वीजे के बारे में, क्योंकि मैं वीजे के चक्कर में नहीं पड़ता भाई, उसके बारे में बताता हूँ मैं, ठीक है। तो आ जाओ इंस्टाग्राम में, मैं भी आ गया है पेट्रोल पंप में। एक तो मैं गलत जगह में रुका दिया, गाड़ी बोल रहा है डीजल का है, भाई मुझे डीजल नहीं चाहिए, मुझे पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल चाहिए मुझे। एक मिनट, यहाँ पे ज्यादातर गाड़ियों को ना पेट्रोल डालते हैं, यहाँ पे डीजल नहीं डालते, क्यों किसी को। एक मिनट पैसा गिर लेता हूँ, पता नहीं कितना है यार इसका। एक मिनट भाई, एक मिनट, हाँ
एक मिनट 150 150। वालेकुम सलाम। पैसा कितना रखा अभी? मिया 165 का डालना पड़ेगा इसमें। पैसा भी कम रखा हो पता नहीं। वो मेरी गाड़ी तो 200-250 रियाल का तेल पीती है। लेक्सस को देखो 150-160 का पेट्रोल डलवा रहा है ये। मेरे एक चीज अच्छी लगी भाई हैंड ब्रेक का। आई लव हैंड ब्रेक इसका। सब बटन सिस्टम है। गाड़ी तो बता दिया हूँ मैं, ठीक है, सिर्फ ऑटोमेटिक रहता है। एक एक्सिल, एक मिनट, ये देखो एक्सीलेटर ब्रेक, ये दो ही रहता है, कुछ नहीं है। और क्लच व्लच ऑटोमेटिक गाड़ी है। डी पे रखो, चलाओ। चलो भैया अभी पेट्रोल वेट्रोल डल गए, अभी सीधा ऐसे चलेंगे घर। घर चल के परमिशन ले लेंगे जिम को जाने का। परमिशन मिल गया तो चले जाएंगे जिम को आज। कल मेरे को ना शोल्डर मार के आया भाई, परसों पेन हो रहा था, कल पेन में पेन, दर्द में दर्द मार के आ गया। फिर रात में सोने नहीं दिया, नहाने के लिए साबुन, पूरा पीठ घूम के आता था मेरा हाथ पीठ, अभी ना थोड़ा भी नहीं जा रहा है बस। तो खैर जो भी है देखेंगे, मजे करेंगे आज। आज अगर जल्दी, अगर ड्यूटी नहीं है तो भाई देखो कितना हो रहा है टाइम, 5:30 हो रहा है बराबर। ड्यूटी नहीं है तो जाएंगे जिम। फाइनली 6:30 बज रहा है टाइम। फाइनली मुझे परमिशन मिल गया आज जिम को जाने का फिर से। तो चलेंगे जिम जाके। आज है ना हैंड्स मारने का, आज हैंड्स, ठीक है। चलो जिम में मिलते हैं एकदम। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो काम हो चुका है भाई, इतने प्यारे प्यारे मशीन है ना, दही भी आता है ना तो समझ जाओ मशीन खुद सिखाते तुमको, ट्रेनर की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मशीन जो है ना पोजीशन खुद लेती है कैसे करना बोल के। ये देखो बिल्डर ट्रेनर है ये। तो भैया रात के 12 बज रहे हैं, मेरी ड्यूटी आज ख़त्म हो गई। मतलब 3 दिन का ब्लॉग वीडियो जो डाल रहा हूँ ना, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक वेट करिए। पता नहीं कहाँ भी जाते या नहीं जाते पता नहीं, देखो 15 तारीख या तो 16 तारीख को फिनाले है, 15 या 16, यहाँ का नेशनल डे भी है कतर का, ठीक है, उसी दिन फिनाले है बोल रहे हैं, पता नहीं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त होता है, वो भी दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो मिलेंगे एक और नए वीडियो में फिर नेक्स्ट। बाय, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, ध्यान रखो अपना।